अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन, मैं हूँ आपका होस्ट शमशेर मुनीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस ज़िरकोन के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं या किस रंग का ज़िरकोन किस तरह का फ़ायदा देता है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि बताएं कि सबसे बेस्ट ज़िरकोन का कलर कौन सा होता है जो जल्दी इफ़ेक्ट करता है। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा कि किस ज़िरकोन के कौन से फ़ायदे होते हैं। वैसे तो दोस्तों मार्केट में ज़िरकोन के बहुत सारे रंग मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ेबल हैं या जिनके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, आज मैं उन्हीं रंगों का आप लोगों को बताऊंगा कि किस ज़िरकोन के कलर का कौन सा फ़ायदा होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सुरख ज़िरकोन की। सुरख ज़िरकोन खून की कमी को पूरा करता है, इंसान की सोच को मुस्बत बनाता है। पीला ज़िरकोन अक्लमंदी और जिंसी ताकत को बढ़ाता है। गुलाबी ज़िरकोन भूल जाने की आदत को ख़त्म करता है, जो लोग भूल जाते हैं उनको ये पत्थर ज़रूर पहनना चाहिए। गुलाबी ज़िरकोन। जामनी ज़िरकोन, जो कि मैं ख़ुद पहनता हूँ, जामनी ज़िरकोन इज़्ज़त और नाम पैदा करता है और दौलत को इंसान की तरफ अट्रैक्ट करता है, मैं इसीलिए यही पहनता हूँ। नारंगी ज़िरकोन खूबसूरती को बढ़ाता है, दिलकशी को बढ़ाता है। सब्ज़ ज़िरकोन मादी खुशहाली के साथ समाजी तरक्की हासिल करने में भी इंसान की मदद करता है। भूरा ज़िरकोन, जिसे स्मोकी ज़िरकोन भी कहा जाता है, ये इंसान की खुद अतमादी में इजाफा करता है, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये नीला ज़िरकोन है, इसमें हल्के कलर में भी आते हैं, लेकिन मेरे पास डार्क कलर में है। ये ज़हन और जज्बात को मुस्तहकिम करता है। मोस्ट पावरफुल कलर ऑफ ज़िरकोन, सफ़ेद ज़िरकोन। ये सबसे बेस्ट इसमें जो कलर होता है वो वाइट ही होता है। ये पत्थर दौलत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और हासदीन से महफूज रखता है इंसान को। ज़िरकोन के जितने कलर हैं उनमें सबसे नायाब और सबसे पावरफुल कलर वाइट ही होता है। सो दोस्तों, ये ज़िरकोन के कलर हैं जिनके बेनिफिट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाते हुए लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।